केन्दुझर जिलार जोड़ा खणिमंडल अंतर्गत बड़बिल ठाकुरणी स्थित आर्सेलर निपन मित्तल खणि कंपानी तार मनमुखी कार्य करिवार देखिबाक मिलिछि। यादरा सीधासळख प्रभाव ट्रक मालिकक उपरे पडुछि। आमे कहि रखुछु कि 2020 मसिहारे निलाम प्रक्रियारे ठाकुरणी खणि होइतला। बड़बिल बासिंदा भाविथिले कि बड़ कंपानी आसिछि, एथर बड़बिल कंपानी पई किछि करिब, किंतु एबे 2 वर्षर ऊर्ध होलाणी कौनसी उन्नतिमूलक कार्य बड़बिल बासिंक पई कंपानी करिनै। एबे बड़बिल बासिंकु हंतसंत करि मारुछि। यार कहार कारण 2 वर्ष पूर्वे जितेबले डीजेल लेटर पिछा 70-80 टंका रही थिला, सेतेबले डुबना एसआर प्लांट भड़ा टन पिछा 640 टंका रही थिला। गत 7 मास तले टन भड़ा पिछा 20 टंका कम करथिला। एबे डीजेल लेटर पिछा 115 टंका छुईला परिवर्ते कंपनी टन रो भड़ा 100 टंका कमाइबो बोली समस्त ट्रांसपोर्ट को नोटिस देथिला। एहा परे बड़बिल ट्रक ओनर मालिक संघ तरफ टन रो भड़ा कमाइबापी लिखित आकार रे दीते। यापर भी खणी को बंद कर दि जाए। सूचना मुताबक किसी एमती गाड़ी मालिक अच्छा अधिक लाभ निम्ते ट्रक को लोडिंग पाई सठिक रास्त खणी को प्रवेश नक सर्टकट रास्ता दे प्रवेश कराकि जनबसती अंचल प्रवेश कराई लाभ लालसा रखि ट्रक मालिक बर्तमान लोभी ट्रक मालिक मैंने जोर जबरदस्त खणी स्ट्राइक करते कौन आम ये जमी जगह रही आमर एटी ताक आउ कहते कि जाजपुर आशीष तो किए कटकू एभली बड़बिल ट्रक मालिक को कड़ा समालोचना कराद्वारा कि समस्त क्षति होगी। बड़बिल सहरवासी अर्थव्यवस्था केवल गाड़ी उपर निर्भर कै जदि यह प्रति आंचलिक प्रशासन यथाशीघ्र पदक्षेप बड़बिल ट्रक मालिक आशा रखिंट। आपका नाम? परमजीत सिंह। आप लोग अभी माइंस में कितना दिन हो गया ऐसे गाड़ी सब खड़ा करके रखे हैं? हम लोग का गाड़ी तो करीब करीब 10 दिन से खड़ा है गाड़ी। क्यों खड़ा हुआ था? ये लोडिंग प्रॉब्लम के लिए। तो अभी जो कि कंपनी तो रेट के लिए खड़ा हुआ था, अभी कंपनी से अभी हम लोग बात किए हैं तो कंपनी बोल रहा है कि हम लोग चालू करने के लिए बोले हैं। तो अभी कौन स्ट्राइक करके रखा है? अभी गाड़ी वाला लोग ही सब स्ट्राइक करके रखा है। कौन कौन वो लोग कौन है? गाड़ी वाला हम ही लोग हैं यूनियन तरफ से। स्ट्राइक कौन करके रखा है? स्ट्राइक गाँव वाला लोग अभी किया हुआ है। गाँव वाला लोग किया है? क्यों? गाड़ी उधर से घुसाने के लिए। किधर से? शॉर्टकट। शॉर्टकट कौन सा गांव? यही सब अपना बड़बिल बस्ती। मान तो कहाँ कहाँ बस्ती का कौन सा नाम क्या? बिलकुंडी हो गया, अपना बड़बिल बस्ती हो गया, माता बस्ती हो गया, ये लोग ठाकुरानी हो गया, ये लोग ट्राई करके रखा है। हाँ, मतलब लोडिंग में तो अभी प्रॉब्लम है कि ये लोग गाड़ी कहाँ से लाए? ये लोग को गाड़ी दिया कौन? ट्रांसपोर्टर लोग दिए हैं। कौन कौन ट्रांसपोर्टर, नाम क्या? आपका निर्मल सिंह है, SGL है, और शायद मेरे ख्याल से और तो मेरे को मालूम नहीं है इतना। कितना गाड़ी होगा इन लोग का पास? इन लोग का 40-50 गाड़ी होगा। 40-50 गाड़ी के लिए अभी 1000 गाड़ी खड़ा करके रखा वो लोग सोच नहीं पा रहे कि इतना गाड़ी मालिक अभी खड़ा है रोड पे, कम से कम 10 दिन हो गया। गाड़ी ड्राइवर लोग भूखे प्यास खड़े हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसका बारे में? क्या बोलेंगे, हम लोग का तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे उसमें। तो और एक तो आया था कि आप लोग बोल रहे थे कि ट्रांसपोर्टर लोग 200 गाड़ी लोग अभी क्या कोटा कर दिए हैं, वो लोग 20-25 गाड़ी एक एक ट्रांसपोर्टर का लोड होगा। 250 गाड़ी का कोटा है, मान लीजिए कि उनका अगर 5 ट्रांसपोर्टर का 100 गाड़ी लोड होगा, गाँव का गाड़ी कुछ आएगा उधर से, तो हम लोग का तो कभी नंबर ही नहीं आएगा लोडिंग में। नहीं नहीं, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे सरकार को, निवेदन क्या करना चाहते हैं? सरकार को निवेदन यही करना चाहते हैं कि जो भी गाड़ी आए सब लाइन से जाके लोड करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम परमजीत सिंह। अभी 10 दिन से आप लोग अभी जो यहाँ पे बैठे हैं, गाड़ी खड़ा है, आप लोग का ड्राइवर भी बैठा हुआ है, माइंस अभी बंद था, क्या बोलेंगे? ये मित्तल आने के बाद जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग है उसको बहुत फर्क पड़ा है। ये जो टाइम आ गया है इसमें ड्राइवर परेशान है, ना पानी का सुविधा है, ना लाइट का सुविधा है। 10 दिन से सब आदमी डेब्ट में है, सब आदमी लोन में है, सबका गाड़ी किस्ती में है। गांव वाला का चक्कर में यहाँ 1000 आदमी का रोजी रोटी का ऊपर में बात आ गया है। इसमें ना हमारे साथ हम कोई प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई हम लोगों को यूनियन का सपोर्ट मिल रहा है, सब अंधेर में लाइफ जी रहा है। तो क्या बोलेंगे? देखिए, जैसे कि अभी प्रॉब्लम जो हुआ है कि माइंस वाला जो रेट के लिए आप लोग बंद करके रखा था पूरा गाड़ी मालिक, अभी माइंस वाला तो बोल रहा है कि गाड़ी चलाइए, लेकिन अभी कौन बंद करके रखा है माइंस को? ये गांव वाला बंद करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन मानेंगे नहीं। जो हम लोगों ने रूल बनाया है कि सीरियल वाइज सबकी गाड़ी जाएगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रूल नहीं मान रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे क्या रूल कैसे तोड़ रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम ओवरटेक करके आएंगे, हमारा गांव का गाड़ी, हमारा जमीन गया है, ये गया है, हम लोग ओवरटेक करके गाड़ी जाएंगे। तो आप लोग बड़बिल का नहीं है क्या? बड़बिल का ही है, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हुए हैं हम लोग।
तो वो लोग बोल रहे कि ओवरटेक करके जाएंगे और शॉर्टकट गाड़ी लोडिंग पे भेजेंगे माइंस, वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, इसीलिए दाबी करके रखे माइंस बंद करके रखे हैं। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, निवेदन क्या करना चाहते हैं सरकार को, जो आप लोग गाड़ी 10 दिन से खड़ा करके रखे हैं, कम से कम यहाँ से लंबा लाइन दिख रहा है, 500 से 1000 गाड़ी दिख रहा है, और खास करके गाड़ी का जो ड्राइवर है वो लोग भूखा प्यासा बैठा हुआ है, आप लोग खाना ला ला के दे रहे हैं, हम देख रहे हैं जो वीडियो में हम लोग देखे हैं अभी, तो आप क्या बोलेंगे सरकार को, निवेदन क्या करेंगे? सरकार को हमारा ये निवेदन है कि जब मित्तल हमारे यहाँ ऑक्शन में माइंस लिया तो हमारे मन में एक आशा बहुत बड़ा जगा था कि वर्ल्ड का नंबर वन स्टील मेकर का पहला एंट्री बड़बिल में हमारे शहर में इंडिया में हुआ, तो आज का डेट में स्थिति पूरा उल्टा हो गया है। जो हम लोगों ने सोचे थे सबके ऊपर पानी फिर गया है और सबका लाइफ एकदम खतरे के कगार में आ चुका है। इस सरकार को हमारा ये निवेदन है कि हम लोगों का रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करके एक ऐसा हल लाया जाए जिससे सारा ट्रांसपोर्टिंग, सारा ड्राइवर का सुविधा, गाड़ी मालिक का सुविधा सब स्मूथली चले, ये हमारा सरकार को निवेदन है। धन्यवाद। आप क्या करते हैं भैया? हम ड्राइवर हैं सर। कितना दिन से आप लोग गाड़ी खड़ा है? 12 दिन से खड़ा है गाड़ी। आप लोग खाना पीना क्या कर रहे हैं? कोई कुछ व्यवस्था नहीं, ना लाइट का, ना पानी का, ना खाना का, कुछ नहीं, भूखा प्यासा चल रहे हैं। मालिक लोग ला के पहुँचा रहा तो खा रहे हैं, अरे तो ऐसे पड़े हुए, नहाना ना धोना कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। मालिक लोग भी दौड़ रहा लेकिन उन लोग से भी कुछ नहीं हो रहा। अब जो करेगा ये ऊपर वाला का हाथ है, जो भाई बस्ती वाला अभी रोक के रखा हम लोग का गाड़ी, इधर लाइन वाला बोल रहा रुका रहेगा, बस्ती वाला बस्ती से चलेगा। तो देखिए अब मालिक लोग बात करता है क्या होता है, हम लोग तो ऐसे ही पड़े हुए भूखा प्यासा। आपका नाम? मेरा नाम हरिंदर सिंह है, रिंकू। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे 10 से 12 दिन हो गया यहाँ पे खड़े हैं और डेली आते हैं जाते हैं और गाड़ी पूरा यहाँ से 500 से 1000 गाड़ी खड़े हैं, तो गाड़ी का ड्राइवर लोग को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है खाने पीने का, किस लिए क्या है बताएंगे? सर ऐसा है बात, गाड़ी आपका मेन रोड से आता है, बड़बिल मेन रोड होके नालदा होके अपना मतलब गाड़ी आता है एक लाइन से, गाड़ी कुछ गाड़ी अपना मतलब यहाँ से डाइवर्ट होके अपना ओवरटेक करके अपना वो लोग चलता है, तो ड्राइवर लोग कितना दिन परेशानी में रहेगा सर? तो ड्राइवर लोग को यहाँ पानी खाने का कोई सुविधा नहीं है। अभी जो कि हम लोग अभी माइंस से बात किए हैं कि माइंस वाला से बात किए हैं कि वो लोग बोला कि जो भी डिस्प्यूट हुआ था कि टर्न का जो रेट था, रेट का वजह से अभी माइंस बंद था, तो अभी सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन माइंस वाला भी बोल रहा है कि गाड़ी अभी चलाने के लिए, तो अभी कौन स्ट्राइक करके रखा है, कौन लोग? सिस्टम सर अपना जब बन जाएगा सब गाड़ी एक लाइन से आएगा। नहीं नहीं, अभी स्ट्राइक कौन करके रखा है अभी फिलहाल, अभी कौन स्ट्राइक करके रखा है माइंस को? अभी सर देखिए गाँव वाला ही स्ट्राइक किया, वो बोलता हम लोग का गाड़ी जो है इस रूट से चलेगा, तो से बस्ती वाला बोला कि हम शॉर्टकट मारेगा, शॉर्टकट मार के हम लोग का ट्रिप होने से हम लोग को मतलब है, और आपका गाड़ी खड़ा है तो खड़ा है, और ड्राइवर लोग भी अपना उस चीज़, उन लोग का कितना तो गाड़ी होगा? अपना पर्सनल मेरे हिसाब से 25-40 गाड़ी होगा। उन लोग को गाड़ी तो पहले उन लोग का पास नहीं था, उन लोग को गाड़ी कौन दिया है, कौन दिया है उन लोग को गाड़ी? ट्रांसपोर्टर दिया है सर, कोई ना कोई उन लोग का ये करने के लिए उन लोग को दिया है गाड़ी। तो अभी वो 20-30 गाड़ी का चक्कर में अभी 1000 गाड़ी अभी रोड पे खड़ा है, और माइंस का सामने खड़ा होने के बावजूद अभी यहाँ के होटल खाने का नहीं है, कि पीने पानी ही नहीं है, और जो कि गाड़ी ड्राइवर लोग उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग गाड़ी मालिक है आप लोग? प्रॉब्लम है सर, ड्राइवर लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हम लोग तो एक आध घंटा बैठते हैं, अभी यूनियन तरफ से भी कोई खाने पीने का कुछ अपना बैठने का कोई भी यहाँ पर सुविधा है नहीं सर। तो आपका यूनियन का सभापति क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि बातचीत चल रहा है, अभी तक तो कोई आया नहीं, सुबह मैसेज हो जाता है, शाम को हो जाता है, यहाँ आते हैं गाड़ी वाला अपना घूम घाम कर चल जाता है, ड्राइवर लोग का प्रॉब्लम है हर दिन का, बाबू हम लोग जा रहे हैं गाड़ी खड़ा करके अपना घर में यहाँ साइड में लगा के पंप में चल जा रहा है हम लोग का ड्राइवर। नहीं, आप लोग का यूनियन आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? सपोर्ट तो सर 3 दिन पहले सर हम लोग दिए थे लेटर, तो ये जो अपना प्रॉब्लम था वो बोले कि ठीक है शॉर्टकट होगा, अभी तक तो प्रॉब्लम वही हो रहा है कि हमारा गाड़ी इधर से चलेगा बस्ती वाला बोल रहा है, और आप लोग खड़े हैं तो खड़े हैं, और क्या खड़े ही हैं गाड़ी सब। क्या निवेदन करेंगे सरकार को, यहाँ जो राज्य सरकार है, यहाँ का प्रशासन को क्या निवेदन करेंगे? गाड़ी का नियम एक होना चाहिए सर, मेरा गाड़ी जा रहा है तो आपका गाड़ी भी उस हिसाब से जाए, क्योंकि बड़बिल का जो शहर है, बड़बिल का जो बासिंदा है, पूरा 15 वार्ड जो है, यहाँ का लग के जो गांव सब भी है, गाड़ी का ऊपर सब निर्भर करते हैं। अभी हमको बाजार में बोला कैसे होगा अपना मतलब क्यों नहीं कर रहे, हम बोला भाई हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ, यूनियन अपना सुबह से मैसेज किया हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, अभी क्या डिसाइड होगा, वही डिसाइड तो हो गया रेट को, तो अपना वो लोग मान गया मित्तल माइन ओनर, तो अभी जो है हम लोग का आपस का ही गाड़ी वालों का है कि एक नियम से गाड़ी चलेगा तो सब नहीं पेट नहीं, आप लोग यूनियन का तरफ से तो कुछ स्ट्राइक किए नहीं है, यूनियन का तरफ से स्ट्राइक स्ट्राइक तो गांव वाला किया है, अभी तो अपना शॉर्ट आउट हो गया, रेट का ही पहले हुआ था ना हम लोग वाला का जो मांगे बोल दीजिए। केंचुरु
देवव्रत पात्र रिपोर्ट सकाळ खबर।